हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह, मेडिकल एडमिशन काउंसलर है। नीट यूजी 2023 रिजल्ट्स को लेके बहुत सारे स्टूडेंट को लगातार फ़ोन कॉल आ रहे हैं, सर रिजल्ट कब आएगा, कितने बजे आएगा, किस डेट में आएगा। तो इन सारे डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सबसे पहले बताऊँगा कि रिजल्ट कब आएगा और कैसे चेक करना है। आपको बता दूं कि रिजल्ट अभी डिले हो रहा है। जितने भी न्यूज़पेपर वाले हैं, ये सभी के द्वारा एक आर्टिकल जो है पब्लिश की गई है कि एनटीए की तरफ से वैसा कोई नोटिस नहीं आया है, कोई भी ऐसा डेट निर्धारित नहीं की गई है कि इस डेट को एनटीए रिजल्ट पब्लिश करेगी। लेकिन रिजल्ट एज सुन एज पॉसिबल एनटीए चाहती है कि जितना जल्दी हो सके रिजल्ट को डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी रिजल्ट में काफ़ी डिले हो चुका है। मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि 15 जून से पहले पहले कभी भी आ सकता है, आज या फिर कल आ जाए या फिर परसों या फिर 15 जून तक कभी भी आ सकता है। तो जैसे ही रिजल्ट आता है तो आपको एनटीए के ऑफिशियल साइट पर जाना है। जाने के बाद आपको वहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपको इंटर सिक्योरिटी पिन डालना होगा। इसके बाद सबमिट करेंगे तो आप वहां से रिजल्ट चेक कर पाएंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए बहुत सारे ऐसे पोर्टल होंगे जहां से आप चेक कर पाएंगे। जैसे ही रिजल्ट आती है तो सर्वर पे काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट अपना रिजल्ट चेक नहीं कर पाते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको परेशान नहीं होना है। जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आपको सबसे पहले जो रिजल्ट आएगा उसमें अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम या फिर जो आपको स्कोर आ रहा है, रैंक आ रहा है, उन सारी चीज़ों को आपको डेट ऑफ बर्थ को एक बार मैच कर लेना है। और मैच करने के बाद अगर कोई भी ऐसा मिसिंग हो तो इसके लिए आप चाहे तो नोटरी से जाके एफिडेविट करा लें। यदि आपका कैंडिडेट नेम में मिसिंग है, फादर नेम में मिसिंग है, मदर नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, तो आप इसको नोटरी से जाके आप अपना एफिडेविट बना सकते हैं, तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो वैसे मैं आपको बता दूँ कि जितने भी सोशल मीडिया हैं या फिर न्यूज़ चैनल हैं या फिर जितने भी यूट्यूबर हैं या फिर जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स आ रहे हैं, उसमें कहीं भी ये निर्धारित नहीं की गई है कि एनटीए की तरफ से कोई भी फिक्स डेट बताई गई है कि इस डेट में रिजल्ट आएगा। लेकिन एज सुन एज पॉसिबल आज से 15 जून तक, यानी कि हो सकता है कि आज भी इवनिंग तक आ जाए या कल आए या फिर परसों आए, रिजल्ट आ जाएगा। तो आप अपना अरेंजमेंट करके रखें। जिनको रिजल्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है, स्कोर काफ़ी अच्छा आ रहा है, वैसे आंसर किसी आपने मैच कर ही लिया होगा, तो आप अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन, कॉलेज के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन अरेंज करके रखें। साथ में आप जो स्टूडेंट का स्कोर कम आ रहा है, ऑन एवरेज आ रहा है, तो सेमी गवर्नमेंट के लिए या फिर लो फी के प्राइवेट कॉलेज के लिए आप अपना टारगेट करके रखें, बजट को अरेंज करके रखें। और जिन्हें सिर्फ प्राइवेट ही मिलेगा या फिर हाई बजट के सीट मिल सकते हैं या फिर उनको अच्छा कॉलेज चाहिए, कम स्कोर पे जस्ट एलिजिबल होते हैं, ऐसे कंडीशन में भी आपको सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करना होगा। यदि आप NRI कोटे से सीट लेना चाहते हैं तो NRI डॉक्यूमेंटेशन जो स्पॉन्सर कर रहे हैं उनसे आप सारी चीज़ों को ओके करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा चैनल के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।